बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्में और उनके सीन्स और गानों के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा बॉलीवुड और बेल आइकन पर प्रेस करें। सर, मुजाहिदीन और पाकिस्तानी ट्रूप्स LOC क्रॉस करके कई किलोमीटर तक अंदर आ बैठे। ओह, इस इंफॉर्मेशन से लगता है कि दे आर ऑल ओवर मुश्को वैली, द्रास सेक्टर, पटालिक सेक्टर। वो तो पूरे इंडियन टेरिटरी पे कब्जा किए हुए एंड दे ऑक्युपाइड ऑल आवर बंकर्स टू। सर, जो खाने पीने का सामान हमारी फौज अपने बंकर्स में छोड़ाई थी वही खा पी रहे और हम ही पर हमला कर रहे हैं। सर, प्रॉब्लम ये है कि 0.4875 तोलोलिंग और कुकरथांग से नेशनल हाईवे नंबर 1 पर नजर रखे हुए और हमारे कॉन्वॉयस पे कंटिन्यू शेलिंग करवा रहे हैं। सिचुएशन इज वेरी सीरियस, कनेक्ट मी टू दिल्ली। राइट सर। सो द एनिमी प्लान इज सिंपल, टू कट ऑफ कश्मीर फ्रॉम लद्दाख बाय हिटिंग नेशनल हाईवे नंबर 1 सर। Orders from Delhi are very clear. Maximum mobilization Kargil sector mein kiya jaye. Orders hai ki hamari zyada se zyada battalions tainat ki jaye. And as we know, dushman upar advantageous position pe baitha ho aur hame niche se hamla karna pade. So the ratio will be 6-1. Hamare 6 marenge, unka 1. And Kargil terrain is such where the ratio will be 10-1. And that's the reason why maximum mobilization is taking place. Sir, let us cross the LOC and cut off the enemy from behind so that we lose less lives. Pakistani area mein ghuskar unko piche se cut off karke unke supply ke sare raste band kar dete. No, Brigadier. The orders are very clear that we'll be going by the book. At no point of time we will cross the line of control. These are the clear instructions from Delhi. And so, let's move 1/11 Gurkha first. लेकिन सर, 1/11 गोरखा तो अभी अभी सीएचएन से लौटे। कांट हेल्प इट, दे आर द बेस्ट फाइटर्स फॉर दिस एरिया। 1/11 जीआर का कमांड कर्नल ललित राय को सौंपेंगे। लेट मी टॉक टू हिम। सर, कर्नल ललित। सर, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोसीड टू याल्दूर कारगिल सेक्टर इमीडिएटली एंड टेक चार्ज ऑफ 1/11 गोरखा रेजिमेंट। यस सर। विल बी अरेंजमेंट टू ड्रॉप यू एट याल्दूर इन 24 आवर्स। आई विल बी देयर। मैं वहां पहुंच जाऊंगा सर। साहब जी, 27 जेसीओ, 470 अदर रैंक हाजिर हैं। बटालियन हिलो मत। श्रीमान, 3 ऑफिसर्स, 27 जेसीओ और 470 अदर रैंक हाजिर हैं। ओके। बटालियन विशो बहादुरी का दूसरा नाम गोरखा बटालियन है। बहादुरों, ये लड़ाई और खून खराबा हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हाल ही में कश्मीर को हमने खून में रंगे देखा। गोरखा पट्टन का नाम सारी दुनिया में मशहूर है। एक मर्तबा हिटलर जैसे सिपाही ने भी कहा था, अगर गोरखाओं की पलटन मुझे मिल जाती है तो मैं सारी दुनिया पे फतेह पा सकता हूँ। इसीलिए आज आपका ये सीओ ललित राय अपने बहादुर सिपाहियों को कारगिल पे फतेह देखना चाहता है। कोई शक नहीं सर। जय बाकोली। बटालियन माउंट। सर, कमांड से मैसेज है। कर्नल ठाकुर। सर,
Move your battalion. 18 grenadiers to Kargil Thrust sector immediately. Stop all operations in Kashmir Valley and proceed immediately. Right, sir. अरे वाचलास तू, आलास मध्ये चुकून तुला पण घेऊन टाकला असता. क्यों, डर गया क्या? वो पूरी तरह से आर्म था, तुझे मार सकता था. और हाँ, मी मराठा है, मर्द मराठा. डरते नहीं, डराते हैं. और मैं हरियाणवी जाट, सिर्फ मारता हूँ. आज तुमसा प्रॉब्लम है, ये हरियाणवी भैंसों वाली बुद्धि. ना पहले कुछ सोचते हो, ना बाद में. जय महाराष्ट्र, जय हरियाणा. सचिन बलवान, तुम लोग अपने आपस का झगड़ा बंद करो. मैसेज आया है कि वैली के सारे ऑपरेशंस कैंसिल हो गए हैं और बटालियन इज मूविंग फॉरवर्ड टू द्रास सेक्टर. कम ऑन. मेरे जवानों, हुक्म मिला है कि तोलोलिंग पहाड़ी, जो हमारा अपना हिस्सा है, जहां पर हमारी अपनी पोस्ट भी है, दुश्मन ने उस पर कब्जा कर लिया है. वहां से वो नेशनल हाईवे 1 पर अपनी नजर गड़ाए हुए है. हमारी कॉन्वॉय की हर मूवमेंट को वो देख रहा है और उस पर नजर भी रख रहा है. हमें दुश्मन को बाहर भगाना बहुत जरूरी है. हमें उन पर हमला करना है. दो दो तीन तीन बटालियन वहां ऊपर भेजी गई. इस वक्त 16 ग्रेनेडियर्स वहां लड़ाई कर रही है. अब ये टास्क हमें दिया गया और हेडक्वार्टर्स ये चाहती है कि हम ये बात मान लें कि वहां बस सिर्फ 8-10 मुजाहिदीन बैठे हुए हैं. और नागा बटालियन भी वहां पहुंच चुकी है सर. कुछ गड़बड़ है सर, कोई पूरी बात बता नहीं रहा है. साहब, अगर हुक्म हुआ तो अटैक जरूर करेंगे साहब, लेकिन दुश्मन इतनी ऊंचाई पर है कि अगर वहां से एक कंकड़ भी फेंकेगा तो 600 मील की रफ्तार से लगेगा साहब. और दुश्मन के बारे में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है सर, कि वो 8 है या 800. 8,000 भी हो तो क्या है साहब, वो हमारे घर में घुसे बैठे हैं. अगर उनको बाहर निकालना होगा तो निकालेंगे साहब. कहना बहुत आसान है. अगर हम सब फैमिली और आप हमारे पिता हैं, तो आप क्यों जानते बूझते हुए अपने बच्चों को अंधेरी गली में ढकेलना चाहते हैं, वो भी आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर. जब कोई बच्चा अंधेरी गली से गुजरता है तो डर के मारे सीटी बजाता है, गाना गाता है. हम भी गाना गाते हुए जाएंगे सर, वही पुराना गीत जो मेरी मां गुनगुनाती रहती है. सुन बेरी बलम, सच बोल रे अब क्या होगा. अब नहीं साहब, अब कहिए. अबे तू यहाँ लड़ाई जीतने आया या मेरी भाषा ठीक करने? सॉरी साहब. सर आप ऑर्डर दीजिए, बटालियन तैयार है. 18 ग्रेनेडियर्स सर्वदा शक्तिशाली, सर्वदा शक्तिशाली.